चला एलपीजी का समय आ गया। ये सीधे, अरे ये लगाओ मास्क आ गया यार। Delhi Wall Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. आज हमने राज्यपाल कुलपति श्री दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम मार्फत राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा। उसमें हमने मांग की कि प्रदेश के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के एडमिशन फीस जो आज से शुरू होने वाली है उसको फीस को माफ़ किया जाए। हम गत दिनों से कई दिनों से हमने पहले कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री के नाम, उच्च शिक्षा मंत्री नाम, उसके बाद अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार को पत्र भी लिखवाएं, परंतु अभी तक तो कोई कार्यवाही नहीं है। और हम सरकार जहां राज्य सरकार एक तरफ इस विद्यार्थी के मामले में कुछ कार्यवाही नहीं कर रही, वहीं दूसरी तरफ वो तो जो राज्यसभा चुनाव को लेकर बाड़ाबंदी में इतना पैसा खर्च कर रही है, अगर उसका आधे पैसे भी अगर विद्यार्थियों को फीस माफ़ करने में लगाया जाए तो विद्यार्थियों को इससे राहत मिलेगी, पर राज्य की जो कांग्रेस सरकार है वो इस दिशा में कुछ कदम नहीं उठा रही, इससे विद्यार्थियों में आक्रोश है। यदि समय रहते हुए अगर फीस को माफ़ नहीं किया गया तो विद्यार्थी उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। विकास गोरा, छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अंदर प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है जहाँ COVID-19 जैसी वैश्विक महामारी के अंदर जहाँ पूरे प्रदेश के अंदर आर्थिक संकट रहा, मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री जी के पास 200 विधायकों की बाड़ाबंदी करने के लिए पूरा पैसा है, राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए पूरा पैसा है, लेकिन विद्यार्थियों की फीस माफ़ करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, वो कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विद्यार्थियों के द्वारा बार बार अजमेर के सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिख दिया गया, जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए मुख्यमंत्री जी को इस विषय को संज्ञान कराते, लेकिन मुख्यमंत्री जी अपना तानाशाही रवैया अपनाए हुए उनको विद्यार्थियों से कोई लेना देना नहीं है। विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी साहब और मुख्यमंत्री जी से बार बार संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन वो बाड़ाबंदी में होने के कारण उनसे संपर्क नहीं हो सक रहा है, जिसके कारण आज विद्यार्थी पूर्ण तौर से परेशान है। आज की तारीख में विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि उनकी सुध लेने वाला कोई व्यक्ति सरकार के अंदर नहीं है। भंवर सिंह जी भाटी साहब को हमने ट्विटर के माध्यम से मेल कर दिया, उनको पत्र फॉरवर्ड कर दिया, यहाँ तक कि उनको कॉल्स कर दिए, लेकिन हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। विद्यार्थी पूर्ण रूप से परेशान हो चुके हैं। कई बच्चे अगर प्रवेश की फीस न होने के कारण अगर प्रवेश नहीं ले पाते तो इसकी पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पूरी सरकार की होगी और प्रशासन की होगी। एक तरफ सरकार ये एक बयान मात्र देती है कि हम सबको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो रवैया है उससे कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार केवल बच्चों को भ्रमित करना चाहती है और पढ़ाना नहीं चाहती है। रचित कछावा, किसको सौंपा है? हम लोगों ने आज माननीय विशेष साहब को ज्ञापन दिया है, कुलपति राज्यपाल महोदय के नाम। इससे पूर्व में हमने सभी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दे दिया, माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिया, ADM सिटी साहब को ज्ञापन दे दिया, मुख्यमंत्री की जान, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही न होने के कारण बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है और सरकार इस बात का फायदा उठाना चाहती है कि COVID-19 जैसी वैश्विक महामारी के अंदर बच्चे प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, उग्र आंदोलन नहीं करना। अगर ये COVID-19 जैसी वैश्विक महामारी नहीं होती तो विद्यार्थी परिषद और सभी विद्यार्थी मिलकर उग्र आंदोलन करते। रचित कछाव, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष।